वेलकम बैक टू माय चैनल एनके लॉ पॉइंट। आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो लेक्चर नहीं है, ये एक ऑडियो लेक्चर है। और इस ऑडियो लेक्चर को आप पूरा सुनना, होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। दोस्तों, आजकल आपने देखा है कि जो लोन लेने के मैसेज आते हैं, आपको कॉल्स आते हैं, आपको लोन लेने के लिए बोला जाता है। दोस्तों, बहुत ही ख़तरनाक होती है ये स्कीम। आपको पहले मैं बता दूं, अगर आप किसी से भी लोन लेते हैं तो प्लीज़ उसकी कागज़ी कार्रवाई ज़रूर कर लें। आप कहां से लोन ले रहे हैं, आप कितने का लोन ले रहे हैं, आपको कितना पैसा आएगा, इन सब जानकारी आपको होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, कोर्ट में बहुत से ऐसे केस चलते हैं जो लोन लिए हुए होते हैं और वो पे नहीं कर पाते हैं, तो जो कंपनी है आप पर केस कर देती है और आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता है कि आपने किस कंपनी से कितना पैसा लिया था। ठीक है, ये जो लोन देने की जो स्कीम होती है बहुत ही ख़तरनाक होती है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपको लोन लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, आप जिस भी कंपनी से लोन लेते हैं, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है। आप जिस कंपनी से भी लोन लेते हैं उस कंपनी की पूरी जानकारी आपको होना चाहिए। उस कंपनी में आपको विज़िट करना चाहिए, उनके हेड ऑफिस में आपको विज़िट करना चाहिए। सेकंड, आप कितना लोन ले रहे हैं, आपको ये लिखित में पता होना चाहिए। एक आपके पास डॉक्यूमेंट ज़रूर होना चाहिए। मान लीजिए आप 50,000 का लोन लेते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सी कंपनियां ऐसी होती है जो आपको 0% में लोन देती है, मगर उनके लोन वसूलने की स्कीम बहुत ही ख़तरनाक होती है। वो आपसे पूरा इंटरेस्ट वसूल करते हैं और ज़्यादा ही इंटरेस्ट वसूल करते हैं। तो सेकंड ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी से हम कितना लोन ले रहे हैं और हमें कितना इंटरेस्ट देना है, पूरी कागज़ी कार्रवाई के साथ। थर्ड, देखिए दोस्तों, जो ऑनलाइन लोन अप्लाई करते हैं तुरंत आपके अकाउंट में पैसा भी आ जाता है, मगर बाद में जब लोन वसूल किया जाता है तो आपको बहुत ही परेशान किया जाता है और पूरी रकम जो उन्होंने दी है, जितना लोन आपको बताया गया है, उससे बहुत ही कम पैसे आपके अकाउंट में भेजे जाते हैं। रिसेंटली मेरे पास भी एक केस आया था, 50,000 का जो है लोन अप्लाई किया था एक्यूज़ ने और उसके अकाउंट में ओनली 42,000 रुपीस ट्रांसफ़र किए गए थे। देन लॉकडाउन के चलते हुए लॉकडाउन लगा तो एक्यूज़ पर्सन जो है लोन नहीं पे कर पाया। सो कंपनी ने जो है कोर्ट में केस फाइल कर दिया और उसने क्लेम फाइल किया 80,000 रुपीस का। तो दोस्तों, ये बहुत ही आवश्यक है आप सभी को जानना कि आप ऑनलाइन जो है लोन अप्लाई करते हैं तो आपको पूरी कागज़ी कार्रवाई के साथ लोन अप्लाई करना चाहिए, अदरवाइज़ आपको लोन अप्लाई नहीं करना चाहिए। आपके पास वैलिड एविडेंस ज़रूर होना चाहिए कि आपने कितना लोन अप्लाई किया, आपको कितना पैसा आया और आपको कितना इंटरेस्ट देना है। सो दोस्तों, यही है सब बातें जो बेसिकली आपको ध्यान रखना चाहिए। आप कागज़ी कार्रवाई ज़रूर कर लें जिससे कि आपको आगे चलकर कोई दिक्कत परेशानी ना हो। होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो भी इस वीडियो में आपको बेसिक पॉइंट मैं दे पाया हूँ लोन के रिगार्डिंग, आपको पसंद आई होगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना और चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं बहुत ही अच्छी लीगल इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।